जा रहे हो? चलो बढ़िया है। देखो ये पूरा टूल का बॉक्स है और ये इसकी कीमत है 70,000 रुपए, राइट? बिल्कुल सर। इसमें क्या क्या है बताओ सर? इसमें माइक्रोस्कोप है आपका, और माइक्रोस्कोप भी अच्छे वाला है, मतलब बढ़िया वाला होता है। बिल्कुल दो क्वालिटी है इसमें। हाँ। और SMD है और UFI बॉक्स है और सोल्डिंग आ रहा है T245। अच्छा। हाँ जी सर, जो अभी लेटेस्ट है। लेटेस्ट है जी सर। और हम सुनते हैं सिर्फ अपनी जिद के। जिद है मेरा फितूर, जिद है मेरा गुरूर, जिद है मेरी जुर्रत। सो हाय माय यूट्यूब फैमिली, कैसे आप सभी लोग? एक छोटा सा अनकट वीडियो आप लोगों के साथ मैं शेयर करना चाहूँगा। तो ये वीडियो जैसे कि आप हमेशा देखते हैं हर बैच के साथ, देखो हम वीडियो बनाते हैं प्रमोशन के लिए, हम वीडियो बनाते हैं बेसिकली अपने आप को बताने के लिए कि हम क्या पढ़ाते हैं। ये वीडियो कोई भी चीज़ किसी को बताने के लिए नहीं है, ये बस एक क्लास का एक आउटपुट का वीडियो है, ठीक है? और आप सभी लोगों को विश यू वेरी हैप्पी दिवाली। कोई भी डाउट हमारे मन में अभी नहीं है, जब पहले दिन आए थे तो सब डाउट लेके आए थे, पर अभी जो है ना सब डाउट क्लियर है। और सर्किट का जो ज्ञान है बहुत बढ़िया है। मैं बात करूँ सर्किट की, मैं बात करूँ डायग्राम की, मैं बात करूँ कंपोनेंट की, मैं बात करूँ तीसरे दिन में पावर और सीपीयू की आपने लगाया कि नहीं लगाया? जी सर, हम लोग उससे डर। क्या कर रहे हो सर? सर्टिफिकेट? जी सर। अच्छा, मुझे सर्टिफिकेट जरा स्कैन करके दिखाओ। तो देखो दोस्तों, यहाँ पर आप देखेंगे एसआर टेलीकॉम के स्टूडेंट के सर्टिफिकेट को कोई कॉपी नहीं कर सकता। जैसे ये स्टूडेंट ने स्कैन किया और यहाँ पर मेरा पूरा डिटेल आ गया, पूरा डिटेल आ गया इसमें फोटो के साथ ना, फोटो के साथ। मतलब इसको अगर कोई कॉपी भी बनवा लेगा तो फेक पता चल जाएगा, मालूम चल जाएगा। यहाँ पर फोटो खींच रहे हो? खींचो खींचो। तो कैसा लगा तुमको पर्सनल? बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छा लगा था। क्या आता था इससे पहले? अरे इससे कुछ आता ही नहीं था। कुछ नहीं आता था ना, पूरा वोट खाली कर देते शॉर्टिंग में तो हम। अच्छा, और ICU के आइडेंटिफिकेशन या निकालना लगाना भी है? पूरा आ रहा। अब पहले कभी सॉफ्टवेयर पे काम किया था इससे पहले? कभी नहीं, कभी नहीं किया था। तो सॉफ्टवेयर लैपटॉप चलाया ही नहीं था सर। लैपटॉप भी नहीं चलाया था? मैं दूसरे का मांग के लाया था। अब लगता है कि मेरे को लैपटॉप भी खरीदना आ जाके पूरा सेटलमेंट बनाना है। तो ये जो यहाँ पे टूल देख रहे हो, ये माइक्रोस्कोप हो गया, ये SMD हो गई या ये DSO हो गया, तो इनका यूज बन जाएगा? बिल्कुल सर, इनके बगैर तो काम ही नहीं होगा। काम नहीं होगा ना। ये आपने पूरे लगातार थ्रू आउट डे वन से यहाँ पे यूज किया है ना? हाँ। यहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट है। और क्या नाम है आपका? सर तनवीर अहमद खान। क्या कहना चाहोगे? जी सर, SAT में आने से पहले तो कुछ नहीं था सर, जीरो था। हाँ। आने के बाद सर समझ में आया कि नॉलेज बहुत बड़ी चीज़ है। अच्छा, नॉलेज बहुत बड़ी चीज़ है। अच्छा, यहाँ पर जैसे यूट्यूब में जो हम लोग बोलते हैं बताते हैं कि हम ये देंगे वो देंगे, वो दे रहे हैं सर? उससे ज़्यादा मिलता है सर। मिलता है, वही देख के मैं आया था, लेकिन उससे कहीं ज़्यादा मिला। कहीं ज़्यादा मिला है। स्टूडेंट का यहाँ पे डिसिप्लिन या टीचरों का डिसिप्लिन या क्या है यहाँ? सबका डिसिप्लिन सर एक तरह से होना चाहिए कि नहीं होना? होना चाहिए सर, जरूरी है। उसके बिना सर तो सिस्टम गड़बड़ हो जाएगा ना कहीं पे, है ना? डिसिप्लिन होगा तो सब जगह अच्छा होगा। जैसे आपने वही देखा होगा कि रेल में, रेल के अंदर जो स्टेशन होता है और वही एयरपोर्ट में कितना प्रोटोकॉल होता है, और रेलवे स्टेशन के अंदर कोई प्रोटोकॉल नहीं होता, कोई कहीं भी सो रहा है तो कहीं कुछ भी हो रहा है ना। यहाँ का सर सिस्टम काफी अच्छा है और होना भी चाहिए इसी तरह। होना चाहिए। क्या कहना चाहोगे सर? बहुत थैंकफुल होंगे आपके लिए सर। इतना कुछ सीखने पाए हम लोग। अच्छा, कुछ जानते रहते फिर भी आज कोई भी फोन कर सकते हैं हम लोग, काम कर सकते। अच्छा, इतना भरोसा लेकर आए सर टेलीकॉम पर? हाँ सर, इतना भरोसा कि हम सीख के जाएंगे एकदम सर। यहाँ पे कोई भी आ सकता है, कोई भी सीख सकता है, क्योंकि यहाँ के स्टूडेंट पे नहीं, टीचर पे भरोसा है। टीचर पे भरोसा है? टीचर पे भरोसा है। तो जब पहले दिन यहाँ आए थे, जब मेरे से मिले थे, दूसरे दिन तीसरे दिन पढ़े थे, तो उसका भरोसा कैसा बढ़ता है सर? हमको तो दूसरे तीसरे दिन में पूरा भरोसा आ गया था कि यहाँ पे जब जाएंगे तो यहाँ से टेक्नीशियन बन के जाएंगे। कोई यहाँ पर अगर कोई फ्रेशर आए तो सीख सकता? हाँ सर, मैं फ्रेशर हूँ, कभी काम नहीं किया, कुछ नहीं किया सर। ऑब्वियस है कि कुछ लोग ने जो काम भी किया होगा पर चिप लेवल पे नहीं किया। हाँ, चिप लेवल पे तो सभी फ्रेशर होंगे ना?
क्यों? मेरे तो वो भी नहीं किया था सर, वो भी नहीं किया था नहीं किया। और कितना लेके जा रहे हो यहाँ से सर? अगर यहाँ से अगर 40% लेके जाओ तो भी बहुत है। और 40% का सीन ये है कि 100% तो कभी भी नहीं कहीं से ले जा सकते। मैकेनिक में कभी कोई 100% होता ही नहीं। नहीं नहीं होता है, नहीं होता है। ये धीरे धीरे बनाया जा सकता है अपने प्रैक्टिस पे, अपने स्किल पे। अब आप इसको 40 से 50 करोगे, 60 करोगे, फिर हमारे पास वापस आओगे। आप रास्ता दिखा दिए, रास्ते में चलना है, रास्ता चलना है। और एसर टेलीकॉम का साथ मतलब एक आपको बैकअप सपोर्ट बहुत जरूरी है, वो तो सर लाइफ टाइम के लिए लाइफ टाइम। तो यहाँ पर आप आएंगे वापस, फिर आप नए सर्किट समझेंगे। मतलब आपको ये है कि अब आपके पास में ना एक गुरु है जो आपको हमेशा हेल्प करता रहेगा, रास्ता दिखाता रहेगा। हम लोग चाहे फोन पे हो या फोन पे होगा या व्हाट्सएप पे होगा, और उसके बाद फिर यहाँ चलो ठीक है। मेरे साथ ये और है, क्या भैया क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम नरसिंह है, मैं उत्तर प्रदेश से हूँ सर। नरसिंह, थ्रू आउट नरसिंह, काफी अच्छा आपका रहा यहाँ पर। और मैं ये भी कहना चाहूंगा कि आपके वीडियो भी काफी आए, पर्टिकुलर बहुत सारे। खुश हुआ सर कि किसी तरीके से मेरा नाम तो हो रहा सर। मेरे पिताजी बहुत खुश थे सर कि अच्छा काम कर रहा सर। अच्छा, सब लोग बोला कि वहाँ जाके पढ़ा रहा है कि सीख रहा है सर। अच्छा सर, मतलब वो खुश हुए तुम्हारे वीडियो देखकर? बहुत प्राउड फील कर रहे हैं। क्या बात है, मतलब बहुत सारे लोग जब अपने घर अपने बच्चों को दूर भेजते हैं तो बहुत आशा रहती है, बहुत उम्मीदें रहती है कि भाई वहाँ ना हमारे रिश्तेदार है ना ये है, बच्चा अकेला है, अभी कैसे रहेगा कैसे। तो यहाँ पर मुझे बताओ, जो भी टीचर है ऐसा गार्डियन रहे कि नहीं रहे? बिल्कुल सर, उन्होंने फील नहीं होने दिया, कमी नहीं होने दी उनके घर की, घर की याद नहीं आने दी, बढ़िया तरीके से कमी। हाँ भाई, कुछ लेके जा रहे हैं और यहाँ की जो भी टीम है, जो भी सर है, मिलन सर हो, आप सर हो और देव सर है, सबका जो पढ़ाने का जो लेवल है वो बिल्कुल डिफरेंट है सर। जब तक क्लियर नहीं हो जाएगा, कोई भी कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो जाएगा, कोई भी टीम आगे नहीं बढ़ेगा। सर मेरे वो आवाज दे रहे हैं तो आपका पेंडिंग है। चलो ये किसके है भैया? अच्छा, स्टूडेंट लोग के हैं। पूरा एक पूरा पैकेज पैकेज है, माइक्रोस्कोप के साथ एसएमडी और सब कुछ, आयरन। ये पूरा एक कितने का पड़ा? ये 70,000 70,000 का। इसमें ये यूएफआई भी है? हाँ, यूएफआई भी, फुल पैकेज। अच्छा, पूरा पैकेज, छोटे छोटे आइटम, मतलब वो सीधे जाओ टेबल पे लगा दो। स्टेंसिल का पूरा सेट सब कुछ है। हाँ, वो स्टेंसिल का सेट तुमको पता है, हमको पूरी रात लगी है वो सेट बनाने में। मैं वो पता है बहुत टाइम से ना वो यही दे रहा था, मैंने बोला अब तू ये नहीं देगा, मैं बोलूंगा वो देगा, क्योंकि आधा 90% काम यूनिवर्सल से हो जाता है। यूनिवर्सल से हो जाता है। कल मेरे से एक जन पूछ रहा था यूट्यूब में, सर जियो का CPU और MMC किस स्टेंसिल से बोल रहा था? क्या बोले यार, क्या बोले, क्या आंसर दे हैं? अब मैं YouTube ग्रुप बनाया, उसमें ना मैं आंसर नहीं देता हूँ। कैसे आप पूछते हैं यार, कैसे पूछते हैं उसमें? सर एक फोन आया है जियो का, उसमें रिंगर नहीं बज रहा है, टिप पर वैल्यू आ रही है, अब क्या करे? अरे तो उनको उनको मैं बोल नहीं सकता इसी के अंदर का ये लाइन चेक कर, क्योंकि वो उतना एक जन बोलता सर फोटो दे दो ना सर, वो तो जियो से भी नहीं उठना चाह रहे अभी तक वही है। मतलब क्या अंतर है, वो क्या फेक है, क्या आप फेक है? तो देखा आप लोगों ने यहाँ पर जो भी वीडियो है या अनकट वीडियो है या आप लोग देख रहे हैं एसर टेलीकॉम के, अभी आज हमारा फेयरवेल है और हम लोग है ना केक काटने में बिलीव नहीं करते, समझ रहे हो, क्योंकि हम लोगों को नहीं लगता कि केक काटना चाहिए या ऐसा कुछ। देखो सोच, सारे स्टूडेंट आप पीछे देख रहे हो, वही स्टूडेंट हैं आप सारे स्टूडेंट। उसके बाद आपने
किसी बात का यहाँ पे ये नहीं कहूँगा कि कोर्स कोई मिसबिहेव नहीं है सर, कोई अलग कोई डर की कोई दूसरी सिटी का डर या ऐसा कि हम यहाँ हैं, कुछ भी नहीं सर, बहुत अच्छा फील हुआ यहाँ पे आके, इतना लेके जा रहे हैं ना सर कि शायद ही कहीं मिले सर। अच्छा पता चलता था यहाँ सुबह आते थे कि कब रात हो जाए? नहीं सर पता नहीं चलता, सुबह ही है और सुबह ही रहती है सर। अच्छा निकलते थे रात हो गई सर, अब जब निकलते थे तो रात हो जाती थी, अगले एक दिन तो दिन बदल दिया था सर हमने। अधूरा भाग यहाँ पर देखो थोड़ा सा वॉइस वो करेंगे, यहाँ पे हमारे साथ और स्टूडेंट है मोहम्मद सर के साथ, मैं ये आपसे जानना चाहता हूँ, और भी स्टूडेंट है प्रशांत है यहाँ पर मेरे साथ में, मुझे ये बताओ कि ये वीडियो है ना मेरे पर्सनल ब्लॉग के लिए, मतलब ये है ना एक अनकट वीडियो होना है जिसमें हम अपने दिल की बात करेंगे, खुल के बात करेंगे, कोई वो नहीं, अंदर से बोलना है, क्योंकि जैसे कि मैं देखो ना यहाँ पर ये वीडियो वो लोग देखेंगे जैसे जो है ना हमारी डेली लाइफ है, क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। मैं ये जानना चाहता हूँ कि जब तुम रात में जाते थे, अब ये नहीं पूछूंगा क्या पढ़े या बहुत अच्छा लगा, ये सब तो हो गया है, सब बहुत लोग देख रहे होंगे और आप आपका आउटपुट देखेंगे, मैं ये जानना चाहता हूँ कि रात में जाने के बाद क्या फील होता था बॉडी में, दर्द या पेन या कैसा लगता था, या फिर घर में बात करते थे या क्या करते थे या सो जाते थे, क्या क्या रहते थे आप? सर ये फील होता था कि मैं कब फिर से दोबारा जाके फिर से नया नॉलेज ग्रहण करूँ सर, लगता है और करो क्योंकि इतना मिल रहा ना कुछ नया हर डे अपडेट, बिल्कुल नया, यकीन ही नहीं हो रहा था इतना कुछ भी होता है। अच्छा सर क्या था, नॉलेज इतना अच्छा मिल रहा था कि थक जाता है आदमी, तो 8 बजे सुबह रहेगा तो 12 बजे, पर वो थकान ऐसी लगती नहीं थी कि अगले दिन अपने वो कुछ अच्छा मिलने वाला है, तो वो जोश रहता था, जोश रहता था, हाँ, तो इतना अच्छा ज्ञान यहाँ पे मिल रहा है। यहाँ कहीं ऐसा नहीं कि आधा दिन बिठा के रख दिया, टीचर गोल हो गए, टीचर कभी 12 बजे बोल के 2 बजे आ रहे हैं, पूरे 30 दिन के 3 दिन पूरे टाइम टू टाइम बिल्कुल एक मिनट भी इधर उधर नहीं हुआ, पहले सर आते थे बाद में, हम कभी कभी लेट हो जाते थे लेकिन सर लेट नहीं होते थे कभी भी। अच्छा हम लोग एक रिक्वेस्ट करने वाले, यहाँ पे इंस्टीट्यूट समझ के मत आइए, ये एक परिवार है, हम लोग अभी पहले आए थे ना तो ऐसा लगता था कहीं सीख आए कॉलेज रहेगा ये रहेगा, पर अभी जा रहे तो ये परिवार लग रहा है मुझे, कि पेरेंट्स के जैसा बिहेवियर है अपना, सब इंस्ट्रक्टर जो है सब पेरेंट्स की तरह अपने बच्चों का जैसे ख्याल रखते सब ख्याल रखते, अच्छे से पढ़ाते, और अभी बाद में भी यहाँ से जाने के बाद हमारा हाथ छोड़ के नहीं देने वाले, वो और देखो कहने की बातें बहुत होती है, आपने स्टूडेंट भी देखे हैं और यहाँ बच्चे आ भी रहे हैं, हर तारीख फिक्स है, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है किसी भी चीज़ को, कोई प्रॉब्लम नहीं है, और इतना सब कुछ लेके गए हो ऐसे इधर, इतना सब कुछ लेके गए हो, इतना सब कुछ, हाँ ये अब इतना सब कुछ लेके गए हो, अब सारी चीज़ों को अडेप्ट करना है, है ना, और उसके बाद काम करके जो रिजल्ट निकलेगा उस रिजल्ट को फिर से एक बार फिर वापस आकर कि कहाँ दिक्कत आ रही है उस, देखो आप 2-3 बार जब आ जाओगे ना तब उसके बाद मुझे नहीं लगता कि वो आने की जरूरत पड़ेगी, बट आएंगे तब भी क्योंकि 5G आने वाएगा भाई, 5G में कितने सर्किट चेंज हो जाएंगे आप समझो, अभी 5G को उसी सर्किट में डाला गया है, वो बस ये समझो कि एक अगर HDR है या WTR है तो उसी को ही अपग्रेड कर दिया है, जहाँ जैसे मैंने कभी 5G का एक फ़ोन बनाया था, एक 5G नहीं हमने नेटवर्क का एक भी बनाया था, तो MediaTek का पोको M3 Pro 5G था, तो उसमें जो 6.1 IC लगी थी RF, और यही मैंने 6A के साथ तुलना की थी, मैंने पहले 6A के वोल्टेज बताए थे, तो वहाँ पर मैंने बताया था कि 1.8 और 1.2 3 1.8 और 2 1.2 आ रहे हैं, यहीं पर मैंने जब 5G के वोल्टेज बताया तो 10 वोल्टेज आ रहे हैं वहाँ पे 10, और वहाँ पे बक लाइनें भी आ रही हैं, तुम समझे, मतलब जो 0.8 आता है तो वो लाइनें भी उठकर नेटवर्क में सीधे जा रही हैं, मतलब अब नेटवर्क से भी आपका साइट क्या हो सकता है, डेड हो सकता है, हाँ नेटवर्क से साइट डेड हो सकता है, ये आप सोचो। अब कल एक मैं फ़ोन बना रहा था Redmi K20, मैं बता रहा हूँ आपको एक केस स्टडी, तो बक नहीं बन रही थी आप समझिएगा, कल मैं एक फ़ोन बना रहा था Redmi K20 और बक नहीं बन रहा था, तो मैंने क्या किया, मैं CPU, मेरा एक फंडा बहुत क्लियर है और वो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि कभी भी अगर बक ना बने तो CPU उतार दो और MMC UFS उतार दो, क्योंकि अब आपके फ़ोन में केवल पावर ही है जो बक नहीं बक बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, तो मैंने क्या किया, मैंने लगाया भाई पावर भी अगर लगने के बाद बक क्यों नहीं बना रही है, तब दिमाग में एक चीज़ बहुत जल्दी आती है जो कभी कभी हम भी है ना हमारी थ्योरी भी हम अप्लाई नहीं कर पाते, कि हमने ना कैपेसिटर ही नहीं चेक किए, अगर मैं ईमानदारी से एक कैपेसिटर चेक करता तो अब पता क्या हुआ कि 2 पावर बदलने के बाद मैंने बोला बग नहीं बनी, तो मैंने बोला अब कैपेसिटर चेंज करेंगे चेक करेंगे, सो ईमानदारी से एक कैपेसिटर चेक करते गए तो एक कैपेसिटर मिल गया जिस पर सेम GR आ रहा है,
मतलब शॉर्ट हो गया। अब वो कौन था? वो था L3 का कैपेसिटर, आप समझो LDO का L3। अब वो LDO का L3 ने पावर के LDO सेक्शन को LDO कन्वर्टर को शॉर्ट कर दिया, उस वजह से वो बक भी नहीं बना रहा है, पूरी पावर हिल गई, तुम समझ रहे। सो मैं कैसे किया, फिर मैंने क्या किया, जहाँ मुझे शॉर्टिंग मिली 2-3 कैपेसिटर थे, मैंने रोजिंग लगाया, फिर एक कैपेसिटर पे हल्का सा टच दिया 1.8 वोल्टेज और रोजिंग लगा के 5 एम्पियर के साथ, तो वो लग गया कैपेसिटर। अब मैंने बोला यार इसको ढूंढने के लिए मैं 1 घंटा लगा लिया। जा रहे हो? चलो बढ़िया है। देखो ये पूरा टूल का बॉक्स है और ये इसकी कीमत है 70,000 रुपये, राइट? बिल्कुल सर। इसमें क्या क्या है बताओ सर? इसमें माइक्रोस्कोप है आपका, और माइक्रोस्कोप भी अच्छे वाला है, मतलब बढ़िया वाला जो होता है, बिल्कुल दो क्वालिटी है इसमें। हाँ। और SMD है और UFI बॉक्स है और सोल्डिंग आ रहा है T245। अच्छा। हाँ जी सर, जो अभी लेटेस्ट है। लेटेस्ट है जी सर। और इसमें सारे स्टेंसिल का पूरा पैकेज है, A to Z पैकेज है पूरा, PPD है, सोल्डिंग आ रहा है, मतलब सोल्डिंग वायर है, ट्विजर्स है, सब है, मतलब सीधे जाओ और काम करो वाला। सही है यार, ये आप देखो यहाँ पर ZX मलिक सर की शॉप पे। ये तुम्हारा है? कितने में परचेस किया ये? 74,000 में। क्या बात, चलो भाई आ जाओ यार। मैकेनिक का डब्बा है, डिब्बा भी मैकेनिक का होता है। एक क्लास लग रही है छोटी सी, अब जितने लोग हैं उतने अटेंड कर लो। एक रिव्यू आ की है ले लो, इनका रिव्यू बाहर ले लो उस साइड। आ जाओ ले लो, वासु तो क्या कर रहा है, उसको पकड़ा दो, क्या नाम है, आओ साहिर तुम क्लास ले लो, ये लोग भी फ्री हो जाएं, क्लास ले लो, आ जाओ बैठ जाओ। ये क्लास डेडिकेट है व्हाट्सएप रूल्स, आ जाओ। कौन बचा भाई, चलो इधर देखो, ये होता मल्टीमीटर, वो पीला वाला मल्टीमीटर मल्टीमीटर नहीं होता भाई, ठीक है, इसको बोलते हैं DT19N, और ये होते हैं मल्टीमीटर के पीछे स्पेसिफिकेशन, इसको पढ़ लो तो सारी चीज़ पता चल जाएगी कि कितना ओम्स है। ये होते हैं टूल, ये SMD, और ये SMD है, ये है DSO, डिजिटल स्टोरेज ऑस्किलोस्कोप बोलते हैं इसको, और इसका मॉडल ये हाई लेवल का, तो आपको इसको लो लेवल पे परचेस करो।